वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत आसान है और एक छोटा टॉपिक है, जिसके बाद आपका कोरिलेशन कंप्लीटली आपका कवर हो जाएगा। तो देखिएगा, स्पीयरमैन में टाइप वन में हम उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जहां पर आपके पास में रैंक गिवन होगा। बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो डेटा है, अब डेटा पे काम नहीं होगा, डेटा को हम रैंक दे देंगे। रैंक के मतलब जैसे कि आपके क्लासेस पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसको हम रैंक वन दे देते हैं, जो उससे लोएस्ट होता है उसको रैंक टू, जो उससे लोएस्ट होता है उसको रैंक थ्री। इसी तरीके से डेटा को हम यहाँ पर रैंक मार्क कर देंगे और उनके रैंक के बिहाफ पर उनके रिलेशन में कुछ स्टैब्लिश करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पीयरमैन रैंक ऑफ कोरिलेशन। अब यहां पर आपके पास में टाइप वन में क्या होगा, डेटा ही नहीं होगा, सीधा आपके पास में जो भी डेटा है हमें नहीं पता, उसका हमें यूज भी नहीं करना, हमें बेसिकली रैंक को यूज करना है। तो यहां पर आपको रैंक दे देगा, इसलिए आपके टाइप वन में टॉपिक का नाम क्या है, व्हेन एक्चुअल रैंक्स आर गिवन। रैंक ही आपको गिवन होगा और फॉर्मूला सिंपल है, 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। जैसे देखते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है। देखिए, डेटा आपस में, बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो आपस में रिलेट करते हैं, जो कि कोरिलेशन में आपने समझ भी लिया है कि डेटा आपस में रिलेट होता है, एक डेटा में इफेक्ट आने पर दूसरे डेटा भी इफेक्ट होता है। तो अगर डेटा इफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका रैंक भी इफेक्ट होगा, तो क्यों ना हम रिलेशन को डेटा के साथ साथ हम रैंक से भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए स्पीयरमैन ने रैंक से अपनी जो है स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं इसको हम। तो यहां पर आपके पास है दो रैंक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रैंक के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, इसको हम क्या कहेंगे, डी। और फिर उस डिफरेंस का क्या करना पड़ेगा आपको, चलिए इसको इतने में रह देते हैं, उस डिफरेंस का आपको स्क्वायर कर देना होगा, इसको आप बोलेंगे डी स्क्वायर। बहुत सिंपल है। तो अब यहां पर सबसे पहले डी निकालेंगे, जो कि क्या होगा आपका आर माइनस आर वन माइनस आर टू। सॉल्व करेंगे इसको तो 1-6-5, 6-4-2, 5-9-4, 10-8-2, 3-1-2, 2-2-0, 4-3-1, 9-10-1, 7-5-2, 8-7-1। अब आपके पास में ये है, सॉल्व करते हैं इसको, ये डी है। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चे, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं आप, हाँ जी, डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और आपके पास है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0, एंड आपके पास में 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, सिग्मा डी स्क्वायर। क्या रिजल्ट आएगा आपके पास में, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 3, 2, 5, 6, 60। हाँ जी, तो अब आपके पास में जो रिजल्ट रहने वाला है वो क्या रहेगा, दिस वन, वन माइनस सिक्स, और आपके पास में रहेगा 6, फिक्स है, ऑलवेज 6 ही रहेगा, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, 1-6 फिक्स है इनटू सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास है 60, एन कितना ऑब्जर्वेशन है यहां पर आपके पास है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 का आप क्या करोगे,
स्क्वायर, जो हाईएस्ट रैंक होता है वही एन होता है आपका, एन क्यूब माइनस एन, दिस वन, क्लियर है बच्चे? तो वन माइनस 360 अपॉन 1000 माइनस 10, वन माइनस 360 अपॉन 990, और सॉल्व करेंगे इसको आप, 360 डिवाइडेड बाय 990 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3636, सॉल्व करेंगे माइनस 1, तो क्या आपके पास में है 0.6363, ये आपके पास में आंसर है इसका। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ खास इसमें हमें करना नहीं है। 360 आपके पास में आएगा डिवाइडेड बाय 990, और माइनस 1, 6363 इसका आंसर है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप देखेंगे ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपको तीन रैंक दिखी बने, देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो आपके पास में तीन रैंक गिवन है, ये दो क्लास का टॉपिक है, उसका ये फिनिश है। ठीक है बच्चे, तो आपके पास में एक आ जाएगा डी का 1-2 के साथ में, एक डी का 1-3 के साथ में, 1-2 के साथ है फिर उसका स्क्वायर, और एक डी का 1-3 के साथ में एंड फिर उसका स्क्वायर 1-3 का, फिर डी का 2-3 के साथ में फिर उसका स्क्वायर, दिस वन, ये रहेगा आपका। तो इसके अंदर आपके पास में तीन रैंक दिए हुए हैं, तीन जजेस ने आपको इस अकॉर्डिंग रैंक दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसको आप कंप्लीट बना लीजिए, हाँ जी देखिए आपके पास में, अब यहां पर 1-2-3 आपके पास में, यहां पर डी निकालेंगे आप 1-2 का मतलब क्या हुआ आपका, R1 में से R2 माइनस कर दोगे, तो डी 1-2 वाला आ गया 1-2 से, तो -3 -4 -1 4 -3 4 -3 1 -1 एंड 4, दिस वन। अब आप क्या करेंगे, डी 1-2 का आप स्क्वायर करेंगे, तो सॉल्व करेंगे 0-9 16 0-1 16 0-9 16 0-9 0-1 0-1 एंड 16, और समीशन कर दीजिए डी 1-2 का डी स्क्वायर, समीशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका,
9 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 9 10 11 11 प्लस 16 94। क्लियर है बच्चे? चेक कर सकते हैं। 9 और 6 15 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, 31 और 6 आपका 37, 37 और 9 46, 46 और 47, 48, 48 और आपके पास में 6, 54, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आपके पास में D12 आ गया ना, फिर D13 ले लीजिए, 1 का 3 से डिफरेंस ले लीजिए, 1 का 3 से, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, 4 माइनस 7 माइनस 3, 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 8 1, 6 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 9 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 4 वन। क्लियर है बच्चे? समझ गए? अब सॉल्व करेंगे। यहां पर आपके पास में ये डी स्क्वायर हो गया, ये आपके पास में D13 हो गया। अब इसका D13 का भी, इसका भी आप एज इट इज स्क्वायर कर लेंगे, तो आपके पास में 25 09 49 01 49 कैसे आए, सात में से, सॉरी आठ में से गया सात, ठीक है। हाँ जी, 16 25 4 1 1 1 समेशन D13 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, 25 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 17 प्लस 29 प्लस 3 132। सिमिलर, अब आप क्या करेंगे, आप D23 निकाल लीजिए, 2 में से 3 माइनस दिस वन, तो 4 में से 6 गया माइनस 2, 8 में 7 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 8 गया माइनस 3, 9 में से 10 गया माइनस 1, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 9 गया 1, दो में से दो गया जीरो, तीन में से तीन गया जीरो, और एक में से चार गया माइनस तीन। क्लियर है? सॉल्व करेंगे D23 का स्क्वायर, तो 04 01 36 09 01 01 01 एंड 0, 0 और 09, तो समीशन D23 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे आप, 04, 4 प्लस 1 प्लस 36, 9, 3, 962। क्लियर है बच्चे? आपसे क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन देखिएगा, और इतना ही पेयर हो सकते हैं ना, आप 1 2 का हो सकता है, अब 1 2 को आप 2 1 बोल दो, फर्क क्या पड़ता है, स्क्वायर होके तो चीजें पॉजिटिव ही होंगी ना, तो तीन ही कॉम्बिनेशन बनेंगे ना एबीसी में से, 1 2 3 में से तीन ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 का, 2 3 का और 1 3 का। अब बोलोगे सर 2 1 का भी, तो सर 1 2 और 2 1 बात एक ही है, तो तीन कॉम्बिनेशन बनेगा, तीनों कॉम्बिनेशन ले लिया तो इजी याद करने का सिंपल तरीका है कि एक का दूसरे के साथ, फिर पहले का तीसरे के साथ, फिर आखिरी के दो, दूसरा और तीसरा, तो ऐसे मैंने इसमें रिलेशन ले लिया। अब आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले आपके पास में रैंक निकाल रहे हैं किसका, अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में रैंक फाइंड कर रहे हैं 1 2 का, तो आप 1 2 का यूज करोगे फॉर्मूले में, 1 माइनस सिग्मा D12 का ले लोगे, स्क्वायर 6 अपॉन एन क्यूब माइनस एन,
वन माइनस सिक्स इंटू सिग्मा डी वन टू का स्क्वायर 94 अपॉन एन, 10 की क्यूब माइनस 10, वन माइनस सॉल्व करेंगे 94 इंटू सिक्स 564 अपॉन आपके पास पे 990, वन माइनस डिवाइडेड बाय 990 0.566 सॉल्व करें 43003 ये आपके पास में इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? इसी तरीके से क्या आप रैंक ऑफ कोरिलेशन आप 1-2 का निकाला है 1-3 का निकाल लोगे, वहां पर बस डी की जगह क्या यूज होगा आपके पास में, आपके डी की जगह 1-3 यूज हो जाएगा, और आपके पास 2-3 का भी निकाला होगा, तो 3 यहां पर रैंक आपको निकालने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।